संस्कृत शिक्षण के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सभी भैया बहनों ऑल स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको कक्षा षष्ठ के अंतर्गत संस्कृत रुचिरा द्वितीय पाठ शब्द परिचय भाग दो का अध्ययन करवा रहे हैं। इस पाठ को पहले आप भली भांति शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लें, रीडिंग करें और उसके बाद शब्दार्थ पढ़ें और उन्हें समझें तथा उन्हें कंठस्थ करें। इसके बाद आपको अभ्यास कार्य कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ, शब्द परिचय भाग दो। शब्दार्थ उच्चारण करेंगे। एषा, ये शब्द स्त्रीलिंग में है। एषा माने होता है यह, दिस। दोला, दोला मीन्स झूला, स्विंग। कुत्र, कुत्र अव्यय शब्द है। कुत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र, ये त्रा वाले जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। इसके अलावा यथा, तथा, ये शब्द भी अव्यय शब्द होते हैं। इनका किसी भी टेंस में कहीं भी वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इनका कोई रूप नहीं बदलता, अव्यय, इसमें कोई परिवर्तन या व्यय नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। कुत्र, कहाँ। तत्र, वहाँ। अत्र, यहाँ। सर्वत्र, सब जगह। चौथा शब्द है उपवने। उपवने माने बगीचे में, बगीचे में। सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल, कोकिले द्विवचन हो गया, जैसे बालिका, बालिके, बालिकः, तो कोकिला, कोकिले, कोकिलः। एते, ये द्विवचन है स्त्रीलिंग में। चटके, चटके, ये भी द्विवचन है, दो गौरैया। कुरुतः, ये द्विवचन है। करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, तो कुरुता माने करती हैं या करते हैं, दो लोग, दो के लिए आएगा। विहरता, द्विवचन है। विहरती हैं, विचरण करती हैं या फुदक रही हैं। चाली के, चाली के, चालक, जैसे बस चलाने वाला चालक, बस चालक। चाली के, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, द्विवचन, महिला ड्राइवर, महिला चालक। चालयता, चलाती हैं। एतह, एतह, ये बहुवचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। एता, एते, एतह, ये स्त्रीलिंग के रूप हैं और नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि, ये होता है। और पुल्लिंग में एषा, एतौ, एते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तीनों लिंगों में आपको एषा माने यह, एतत् माने यह और एषा स्त्रीलिंग ये, तीनों का क्रम और रूप और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में किस प्रकार चलते हैं, इनको आपको ठीक से जानकारी होनी चाहिए। स्थालिका, थालिका, थाली, स्थालिका बहुवचन दिख रहा है तो थालियाँ। प्लेट्स कह सकते हैं अंग्रेजी में। आम माने हाँ, यस, जैसे यस माने हाँ होता है ऐसे आम माने हाँ होता है। आम संस्कृत का शब्द है, आम माँ हलंत है। एव, एव माने ही, एव माने ही, अंग्रेजी में से ओनली वर्ड दिया है। अजह, अजह, बकरियाँ, अजा स्त्रीलिंग है, अजा, अजे, अजह। वालिका, वालिके, वालिकः, इस प्रकार से हैं। चरंती, चरती हैं। अगला शब्द अजह चरंती, तो ये बहुवचन है इसलिए अजह चरंती कहा जाएगा। यदि बकरी चरती है, एक वचन हो तो कहेंगे अजा चरती, दो बकरियां चरती हैं तो क्या कहेंगे, अजे चरतः, अजे चरतः। पुनः शब्दार्थ का अवलोकन करें। सूचयति, सूचित करती है। इंडिकेट्स, कोकिले, दो कोयल। वालिके, दो बालिकाएं या दो लड़कियां। एते, ये भी द्विवचन है स्त्रीलिंग में। अब शब्द परिचय, शब्द परिचय भाग दो में अब कुछ शब्द और चित्र दिए हैं,
देखते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। देखिए चाबी, कुंचिका, चाबी को हम कहेंगे की को कुंचिका। सामने ये एक मेज है, सामने टेबल, इसे कहेंगे उत्पीठिका। साइकिल का चित्र देखिए, साइकिल को, इसमें दो पहिए होते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया है संस्कृत में द्विचक्रिका। यदि तीन पहिए हों तो रिक्शा हो जाएगा त्रिचक्रिका। ये सामने चींटी, ऊपर चित्र है पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी, चींटी। सुई, सूचिका, सुई, सिलाई वाली सुई है सूचिका। द्विचक्रिका साइकिल, साइकिल। उत्पीठिका मेज, कुंचिका कुंजी। इस प्रकार शब्दों को देखकर चित्र सचित्र आप याद कर सकते हैं, अभ्यास कर लें। प्रश्न नंबर दो के उत्तर हैं, इनको वर्ण जो विच्छेद हैं इनको संयोजन करना है, इनको इकट्ठा करके शब्द बनाना है, यानी इनमें वर्ण संयोजन करके उचित शब्द बनाइए। तो क उ र त अ कुर्ता, उद उद या अ न ए उद्याने, था अ ला इ लाइली हो जाएगा, क अ का स्थाली का स्थालिका, ग अ घ ट इ टी का अ का घटिका, स्तर इ स्त्री, ल इंग लिंग स्त्रीलिंग, म अ मा प इ पी मापी का अ का मापिका, चट का ए चटके, धाविका धाविका, का ऊंचाई की ई क अ कुंचिका। कुंचिका का दोबारा देखिए ठीक से, कुंचिका का विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क उ च ई क अ, यानी हर वर्ण के जो टुकड़े हो सकते हैं उनको भी करना है। मान लिए क उ कु, का में छोटे उ की मात्रा है तो क प्लस उ का हलंत करेंगे तो कु हो गया। ऐसे ही य और छोटी की मात्रा तो य कुंची, अब चा पर छोटी की मात्रा आ रही है तो चा के सामने च प्लस ई आएगा, य पूरा है तो य ऐसे ही रहेगा, कुंचिका चाईची का आ कुंचिका। खट्टा, ख अट अ खट्टा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे, इन्हें पूर्ण कर लें। और छुरिका, छा उ रा ई का आ छुरिका, छा उ रा ई का आ छुरिका। इस प्रकार से आप इन्हें समझकर और ये व्याकरण की दृष्टि से इनको बहुत ध्यान से देखकर और किस वर्ण को जोड़कर क्या बन रहा है, यदि आधा अक्षर है तो उसे हलंत लगाएंगे और यदि पूरा अक्षर है तो उसमें कोई मात्रा है तो उस मात्रा को पूरा स्वर आगे लिखे जाएगा। चार पांच वर्णों का अभ्यास ठीक से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्णों में अलग अलग करने पर उसमें कौन कौन से वर्ण मिले रहते हैं, स्वर में व्यंजन, व्यंजन में स्वर, जो भी इसमें जो भी मैत्री है या जो भी मिक्सिंग है इसको आप अभ्यास के द्वारा समझ पाएंगे। जैसे किताब, क इ ता अ ब किताब। अब देखिए प्रश्न नंबर तीन, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। अब ये चित्र दिए हुए हैं, इनका संस्कृत वर्ड लिखना है, संस्कृत शब्द लिखना है, संस्कृत पदम लिखत। पहले मेज, तो मेज को हम क्या कहेंगे, उत्पीठिका। दूसरा है संदूक, तो इसे कहेंगे पेटिका। ये सामने नाव है, बोट है, नौका, नौका मीन्स नाव। फिर है चिड़िया, चिड़िया चटका, चटका मीन्स चिड़िया। फिर ये सामने एक महिला का चित्र है, महिला, और ये स्केल दिया है, स्केल को हम संस्कृत में कहेंगे मापिका, मापिका। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, महिला, नौका। इस प्रकार इन चित्रों के सहायता से आप शब्दों का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर चार देखिए, अब आपके सामने प्रश्न नंबर चार है
आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पर देखिए। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत्। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत्। अब जो रूप दिए हैं इनमें आपको क्रम से जहाँ भी खाली स्थान है उसे पूरा करना है, जैसे लता लते लतः, वालिका वालिकी वालिकः। सेम पैटर्न गीता गीते गीतः। क्यों लता गीता में आकारांत स्त्रीलिंग है तो ये गीता और लता एक जैसे हैं। गीता लता सीता माला रमा, ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द इनके रूप एक जैसे चलेंगे, समतुल्य रूप हैं। पेटिका पेटिके पेटिका, पेटिका पेटिके पेटिकः, ये भी इसी की तरह हैं। अब है खट्टा खट्टा खट्टे खट्टह, इसका भी एक वचन द्विवचन में इस प्रकार रूप बन रहा है। फिर है सा स्त्रीलिंग है तो हम सा ते ता क्या कहेंगे, सा ते ता। यहीं पर सा यदि पुल्लिंग होता सामान्य वह और तत्मान्य वह, तो सा को हम कहते सा तव ते, स्त्रीलिंग में कहेंगे सा ते ता। नपुंसकलिंग में कहेंगे तत्ते तानी तत्ते तानी, तत्मान्य वह सामान्य वह। इस प्रकार से इनका वचन परिवर्तन करेंगे, सामान्य वह एक वचन, तव माने वे दोनों द्विवचन, ते माने वे सब बहुवचन। इसी प्रकार सा तेता सा स्त्रीलिंग में एक वचन और ते इसमें ते माने वे दोनों बहुवचन नहीं है, इसमें ये द्विवचन हो जाएगा। उसमें आपका पुल्लिंग में बहुवचन पर ते था और इसमें द्विवचन पर ते है, दोनों शब्द समान हैं परंतु वचन अलग अलग हैं। इसका पहचान कैसे करोगे कि द्विवचन है या बहुवचन है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हमें वाक्य में हो जाएगी। कोई नाम जरूर दिया होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान हो जाएगी और उससे हम पहचान सकते हैं कि ये द्विवचन है या बहुवचन है। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत् यथा। उदाहरण दिया है यथा वालिका इसमें संभवतः ये मिसप्रिंट है, इसमें बालिका पठती करिए, तो प्रथम पुरुष है और एक वचन है पठती, तो वालिका पठती आएगा। द्विवचन चरतः द्विवचन है तो अजा अजे, अजे द्विवचन है तो द्विवचन करता है तो द्विवचन ही क्रिया आनी चाहिए, या क्रिया हमारी द्विवचन है तो हमें कर्ता की आवश्यकता है, तो हम कर्ता कौन सा लगाएंगे यहाँ, अजा या अजे, द्विवचन कर्ता लगाएंगे हम क्योंकि हमारी क्रिया द्विवचन है। तो द्विवचन शब्द में क्या होता है, अजा अजे अजह, द्विवचन है अजे, तो ये हमारा उत्तर होगा अजे चरतः। खा प्रश्न, खा में देखिए संति, संति माने हैं, तो द्विवचन है या बहुवचन, द्विचक्रिकः संति बहुवचन। अब रिक्त स्थान दिए हैं कुछ, इन्हें देख लें। संति द्विचक्रिका, इसमें त्रिचक्रिका संति, पश्यति बालकः पश्यति, लिखति लेखिका लिखति, गर्जन्ति सिंहः गर्जन्ति, चलति कौन चलता है, त्रिचक्रिका चलति। त्रिचक्रिका मैंने आपको भी बताया तीन पहिए वाला कौन होता है, रिक्शा, तो त्रिचक्रिका माने रिक्शा, द्विचक्रिका माने साइकिल। पुष्पमालाः पुष्पमालाः सन्ति, फूलों की मालाएं हैं। संति बहुवचन होता है इसलिए पुष्पमाला बहुवचन है, ये शब्द इसके साथ लगाना सही है। इस प्रकार इन शब्दों का समायोजन करें, उचित स्थान पर उचित शब्द को लगाएं। कर्ता जिस तरह का है, एक वचन है तो कर्ता, क्रिया भी एक वचन, और द्विवचन करता है तो द्विवचन क्रिया, और बहुवचन करता है तो क्रिया बहुवचन लगेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मंजूषातः कर्तृपदम अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषाता कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कुछ शब्द दिए हुए होंगे मंजूषा में, मंजूषा इंडेक्स को कहते हैं, तो ये हमारी मंजूषा दी हुई है, एक बॉक्स है, इसमें कुछ शब्द हैं, 5 शब्द हैं, तो हमें क्या क्या वर्ड पूरे करने हैं ये देखते जाएं। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। अब हम सौम्या गायता तो कर नहीं सकते, गायता दो वचन है, सौम्या एक वचन है, तो एक वचन में नृत्यति शब्द ही आएगा, लिखंती भी नहीं है, पश्यंती भी बहुवचन, और विहरता ये नहीं आ सकते। चटके द्विवचन है तो चटके विहरता, द्विवचन के साथ द्विवचन लगेगा। वालिके, ये वालिके द्विवचन है,
तो बालिके गायतः द्विवचन आएगा, छात्रः बहुवचन है तो छात्रः लिखन्ति, जनः पश्यन्ति, इस प्रकार से इन शब्दों का उचित प्रयोग करेंगे। पहले आपको जो अच्छी तरह से शब्द का अर्थ सीधा पद समझ में आ रहा है पहले उसे भरिए, फिर उसके बाद जो शेष जो बचते जाएँ उसको आप फिल करते जाएँ। इस प्रकार इस प्रक्रिया से आपके सभी शब्द सही से फिल हो जाएंगे। परीक्षा में भी यही करना है, जो आपको आसान है जो समझ में आ रहा है वो ही आपको भरना। एक बार इनका पुनः अभ्यास कर लीजिए। सौम्या नृत्यति, चटके वह रथा, चटके वह रथा, वालिके गायतः, छात्रः लिखन्ति, पढ़न्ति लिखन्ति हसन्ति गच्छन्ति धावन्ति क्रीडन्ति, ये सभी समान पैटर्न के शब्द रूप हैं। यदि आप एक पैटर्न का सही से शब्द रूप याद कर लेंगे तो उसी के अनुरूप आपको अनेक शब्द रूप और धातु रूप बनाने आ सकते हैं। शब्द रूप में अकारांत का ध्यान रखें, अकारांत इकारांत का, और धातु रूपों में देखें कि कौन सा हमारा मैच करने वाला शब्द है, उन्हें याद कर लेंगे तो आपके आसानी से सभी शब्द रूप बड़े ही शीघ्रता से आपको बिना रटे याद कर सकते हैं। क्रम और नियम और पैटर्न को समझकर आप अभ्यास करें। जो भी शब्द रूप और धातु रूप याद करें शुद्धतापूर्वक करें, धैर्य के साथ याद करें। अगर आपने कोई वर्ड गलत याद कर लिया तो फिर वो आपको हमेशा गलत ही रहेगा, उसमें मात्राओं की त्रुटि रहेगी, विसर्ग की हलंत की त्रुटि रहेगी, तो ऐसा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें, ऐसी जल्दबाजी कभी ना करें। शुद्धता का नाम ही संस्कृत है। शुद्धतापूर्वक आप जो भी रूप और जो भी व्याकरण संबंधी चीज़ों को याद करेंगे वो आपके जीवन भर काम आएंगी, और संस्कृत में जो चीज़ आप सीख रहे हैं इससे आपकी हिंदी अपने आप परिष्कृत हो जाएगी। हिंदी को सुधारने के लिए अलग से कोई और प्रयास नहीं करना है, सारा व्याकरण हिंदी का संस्कृत में ही समाहित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 का उत्तर देखिए। अभी इसका अभ्यास कराया था, अब इसको देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न 8 के फिलअप्स। सौम्या नृत्यति, मैंने आपको बताया था सौम्या एक वचन है इसलिए नृत्यति इसके साथ आएगा। चटके वहरता, चटके द्विवचन है, वहरता द्विवचन है, वहरता क्रिया है, धातु रूप है, तो इसके साथ वहरता ही आएगा। और कोई शब्द लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। वालिके गायता, वालिके द्विवचन है, गायता द्विवचन है, तो इसलिए इसका जो संयोजन है ये शुद्ध है, सही है। छात्रः लिखन्ति, छात्रः बहुवचन है इसलिए लिखन्ति शब्द इसके साथ लगेगा। जनः पश्यन्ति, जनः बहुवचन है, पश्यन्ति बहुवचन है, जनः पश्यन्ति आपका सही, जनः पश्यन्ति, छात्रः लिखन्ति। अब छात्र लिखते हैं तो छात्रों का काम पढ़ाई लिखाई का होता है तो इसके साथ लिखन्ति लगेगा। प्रश्न नंबर 5, अजे चरतः, चरता द्विवचन है इसलिए अजय लगेगा, अजय चरतः। द्विचक्रिकाः सन्ति, सन्ति बहुवचन है इसलिए द्विचक्रिकाः बहुवचन का रूप लगेगा। द्विचक्रिके नहीं आ सकता यहाँ, क्यों, द्विवचन है वो, और सन्ति बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बहुवचन कर्ता लगाइए आप। तीसरा है ग चलति, चलति एक वचन है, चलता है, तो नौका चलति, नौका चलती है। घ सूचिका अस्ति, सूचिका सुई है, अस्ति एक वचन है इसलिए सूचिका एक वचन का रूप, एक वचन का रूप का कर्ता ही यहाँ पर लग सकता है। अब देखिए मक्षिका उत्पतन्ति, उत्पतन्ति माने उड़ती हैं, ये बहुवचन क्रिया है तो हमें बहुवचन रूप लगाना है कर्ता का, तो मक्षिका और मक्षिके ये दो शब्द दिए हैं तो द्विवचन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि द्विवचन क्रिया नहीं है हमारी, तो मक्षिका बहुवचन का प्रयोग होगा, ये आप देख लिया करें। प्रश्न नंबर छः में रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। सातेता इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। सातेता इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। सातेता आदि शब्द सर्वनाम पदों से खाली स्थान भरने हैं। पहले एक बार प्रश्न नंबर 5 के उत्तरों का अवलोकन कीजिए ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। इस 20 मिनट की वीडियो में आपको सभी प्रश्न करा दिए गए, एक दो प्रश्न जो बचे वो आपको इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में, यानी दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में
आपको कराएंगे। और हमारा ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इस वीडियो की सहायता से आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद।